अपडेटेड पॉलिटिक्स और एंटरटेनमेंट की न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। चैंपियंस ट्रॉफी जीते, चीफ सिलेक्टर को 1 करोड़ रुपए मिले, 50 लाख रुपए मिकी आर्थर को मिले। इस टूर्नामेंट की शुरुआत ही आपने सिलेक्शन से की है। मिकी आर्थर क्या कर रहे हैं ड्रेसिंग रूम में? गलत टीम बना रहे हैं। चीफ सिलेक्टर ने टीम गलत सिलेक्ट की है, शुरुआत ही गलत हुई है, तो फिर आप कैसे खिलाड़ियों को मोरेज इल्जाम डरा सकते हैं? नहीं, खेलना तो यही है कि प्लेयरों ने जो भी सिलेक्ट हुए अंदर आगे हैं, अब खेलना तो उन्होंने ही है ना, अब उनको प्रूफ करके देना है। ये बात सही है आपके सवाल, आपके शिक्षक बिल्कुल ठीक है, सारे ठीक है, लेकिन अब वो तो हो गया ना, अब हम क्या करें? अब हम जो लड़के अंदर जो जाके खेल रहे हैं, यहाँ पे 300 वाला विकेट अगर वहां पे आप 237 कर रहे हैं, 235 कर रहे हैं, तो फिर उससे उसको क्या कहें? अब उसी विकेट में भारत वाले खेल रहे हैं जी, और वो बड़े आराम से उनको बड़ी मेच्योरिटी के साथ रन कर रहे हैं, बड़ी मेच्योरिटी के साथ खेल भी रहे हैं, कोई मसला भी नहीं हो रहा, कोई मसाइल भी नहीं हो रहा। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा सहमी हुई लगी पाकिस्तान टीम, मुझे पता नहीं क्यों, और मैं समझ नहीं पा रहा ऐसा क्यों है। लेकिन मैं अभी भी बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा के फाइनल में पहुंचेगा, और फाइनल में पहुंच के एक बुरा दिन हिंदुस्तान के लिए टूर्नामेंट में आना ही है, शायद वो फाइनल का दिन ही क्यों ना। बट शोएब भाई, सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, डू वी इवन डिजर्व टू प्ले द फाइनल? डू वी इवन डिजर्व टू विन एशिया कप? क्योंकि हम चैंपियंस ट्रॉफी भी इसी तरह जीते थे सर, लेट्स फेस इट। नहीं जीते थे ना यार, मर्जी जीते, डू वी डिजर्व टू विन 92 वर्ल्ड कप? नो वी डोंट। कोई वो हारा था, किसी ने बारिश हुई थी, वर्ल्ड कप जीत गए? ये गलत सवाल कर रहे हैं आप। देखिए, मुझे भी उतना ही गुस्सा है पाकिस्तान की में जितना आपको हो सकता है, लेकिन प्लेयर मुझे, मैं समझ सकता हूँ कि पाकिस्तान ने बहुत सारी गलतियां की हैं, मैं ये भी समझ सकता हूँ कि पाकिस्तान बहुत अच्छा नहीं खेला, और एट द सेम टाइम मैं ये भी समझ सकता हूँ कि आपका गुस्सा भी जायज है। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान जहाँ पे 300 रन कर सकता है, पाकिस्तान वो अप्रोच क्यों नहीं अपना पा, और क्या ऐसा हो गया है कि पाकिस्तान जमान बड़ी जल्दी आउट हो जाते हैं, आपके आपके बाकी बैट्समैन आज आज दूसरी दफा रन आउट हो गए हैं, तो मुझे समझ नहीं आती कि कर क्या रहे हैं। एट द सेम टाइम मैं फिर भी पाकिस्तान टीम को बैक इसलिए करूंगा कि फाइनल में पहुंच गए तो शायद पाकिस्तान ही इनको हराने में कामयाब हो जाए। अभी वही मत छोड़िए शोएब भाई, बैटिंग मसाइल, बॉलिंग मसाइल अपनी जगह, लेकिन जब तक आप फील्ड अच्छी नहीं करेंगे तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रोहित शर्मा के शुरू के 4 ओवर में 2 कैचेस ड्रॉप हो गए, एक मुश्किल था जो शादाब के पास आया था और एक तो बहुत ही हलवा कैच तो इमाम ने छोड़ा। यू नीड टू वर्क ऑन योर फील्डिंग, उसके बगैर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए कुछ भी करना। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम को बहुत सारा सोचना भी पड़ेगा, पाकिस्तान को बहुत सारा ख्याल भी करना पड़ेगा, और मैं ये भी समझता हूँ कि पाकिस्तान को बहुत करना पड़ेगा। अब उस हार्ड वर्क में पाकिस्तान कितना कामयाब होता है आने वाले दिनों में, पाकिस्तान की बॉलिंग को बड़ी हुई है, मुझे पता है यार इतने स्लो है, लेकिन अब हर जगह आपको अपनी मर्जी कंडीशन तो नहीं मिलेंगी ना, अब आपको रन थ्रू करना ही होगा। शाहिद शाह फिर दूसरा स्पेल करने आए तो बिल्कुल पेस थी उनके पास, हसन अली बिल्कुल रन ऑफ द मिल बॉलिंग हो रही है, आमिर भी बिल्कुल ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं। देखिए, आप तो एक्सपोज तो आप हुए ना बॉलिंग में, और दूसरा बैटिंग में आपके पास मेजोरिटी नहीं है, एक्सपेक्ट आपका बाबर जल्दी आउट हो जाता है, और एक मलक बच्चा पूछा मलक रह जाता है और वो भी हो गया। दूसरा बड़ी बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है, इस फरहान को वो रना बॉल खेलना चाहिए था, 66 बॉल्स और 45 रन, इस डे एंड एज में आप उतना नहीं कर सकते, आपको उतना बॉल खेलना पड़ेगा। जिस दिन पाकिस्तान ये समझ गया कि 4.5 की एवरेज से रना बॉल किया जा सकता है, 4.5 की एवरेज से खेला जा सकता है, तो सब पाकिस्तान कहीं जाके 270-275 बनाएगा, और अगर नहीं खेलोगे आप पर स्ट्राइक रेट मेंटेन नहीं करोगे और अपना रन 4 और 4.5 ओवर या 5 ओवर रन नहीं करोगे, तो फिर पता नहीं कैसे फिर मुमकिन होगा कि पाकिस्तान की बड़े स्कोर पर जाए। साहब, ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूँ, बांग्लादेश की टीम ठीक है। या वी विल स्टॉप यू हियर अगेन। स्पीचर शोएब अख्तर, बहुत शुक्रिया आपका। वसीम अकरम ने हमें ज्वाइन कर लिया। वसीम, एक तरफ हम देखते हैं भारतीय बॉलर्स हमारे बल्लेबाजों को सांस तक नहीं लेने दे रहे थे, हमारे बल्लेबाज फंसे हुए थे, जकड़े हुए थे, उनके स्पिनर्स हमें परेशान कर रहे थे, दूसरी जानब हमारे पेसर्स या हमारे स्पिनर्स ने उनको बिल्कुल भी तंग नहीं किया। What was happening? क्या हम अलग अलग गेम्स खेल रहे थे? इसमें पाकिस्तान टीम का चलो कसूर है ही है जुनेद, बट ये पूरा हम सब मीडिया का भी कसूर है इसमें। जब हम वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे से जीत के आते हैं तो आप उनकी शान में ऐसे काबले मिलाते हैं कि जैसे इन्होंने वर्ल्ड बीटर बन गए, उससे इनकी आदतें खराब होती है। आई एम ऑल फॉर प्रमोशन ऑफ द गेम, आई रियली एम,
बाकी टॉप की टीमें ये डेवलपिंग कंट्री टीमों से खेलती है, कितना खेलती है जरा पूरा मुझे, तुम लोग बैठे हो एक्सपर्ट और हमारे एंकर्स पूरे पाकिस्तान में, ये भी रिकॉर्ड देखे थे कि पाकिस्तान पिछले तीन सालों में किन किन टीमों से कितने कितने मैच खेला है। जब अच्छी टीमें आती हैं तो वहां हमें प्रेशर पड़ जाता है। अब देख ले हम लग ही नहीं कर रहा कि हम इवन कम्पीट भी कर सकते हैं इंडिया के साथ। जब आपका बॉलर शाहीन अफरीदी क्रॉस द सीम बॉलिंग कर रहा है चौथा ओवर अपना, तो उसका मतलब क्रॉस द सीम करने से विकेट नहीं मिलेगी आपको, वो स्विंग करने से या वेरिएशन से विकेट मिलती है। मैं एक बंदे का वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एवरीबडी लुक्ड ऑर्डिनरी, एवरीबडी लुक्ड फ्रस्ट्रेटेड, एवरीबडी लुक्ड जकड़ा हुआ लग रहे थे। उन्होंने गेम चेंज की फखर जमान की कि रोकी जाओ, ना उसे हिट लग रही थी ना उससे रोका जा रहा था। सो यहाँ तो स्टिक विद द प्लान, लेट हिम प्ले हिज ओन गेम, उसमें आउट हो जाए तो हो जाए, मगर हमारी बैटिंग फ्रेजाइल है। पता नहीं लग रहा कि कैसे शोएब मलिक के अलावा किसी पे भी भरोसा नहीं है कि वो लंबा 40 ओवर अकेला बैटिंग कर सके। रोहित शर्मा को देखें, आराम से खेला था उन्होंने, कोई चांस नहीं लिया, कोई क्रॉस द सीन नहीं मारी, क्रॉस द लाइन नहीं मारी, निकल के नहीं मारी, खड़े खड़े बस प्रिंट किया, जहां बुरी बॉल मेरी शॉट मारी। और बॉलिंग में भी देख लें, स्पिनर में जमीन आसमान का डिफरेंस था। अब मैंने एक स्पिनर शादाब तौलिए से गेंद साफ कर रहा था, इसका मतलब है कि ड्यू थी, और अगर तौलिए से गेंद साफ किया उसने, अगर ड्यू थी तो हमारी होम ग्राउंड है, 10 साल से हमें पता होना चाहिए कि भी ड्यू सेक्टर का हल्की सी पड़ती है विकेट सीधी हो जाती है। सो ओवर एंड ऑल डिसअपॉइंटिंग, ओवर एंड ऑल ये पिछले जो जो भी ये टूर ऑर्गेनाइज करता है उसको बैट उसको सामने बिठाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा ये टूर कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं। अब अगले 5 साल के जो टूर आईसीसी ने बनाए होते हैं, मगर हमें सोचना पड़ेगा कि हमें अच्छी टीमों के खिलाफ खेलना पड़ेगा। वेस्ट इंडीज और ये जिम्बाब्वे की टीमों के खिलाफ वंस इन अ व्हाइल ठीक है, बट नॉट एवरी ईयर ट्वाइस अ ईयर, आई एम सॉरी दैट्स नॉट ऑन। It's very embarrassing for me as a Pakistani. It's very embarrassing for every Pakistani watching cricket. Aaj jeet game ka hissa hai, main kab se keh raha hu. Magar aise thodi na haar hoti hai har match mein. हार जीत गेम का हिस्सा है बट ऐसे हार नहीं होती हर मैच में। वसीम अकरम बहुत शुक्रिया आपका, शोएब अख्तर एक बार फिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सोहेल तनवीर हमारे साथ मौजूद है, सो सॉरी सोहेल हम काफ़ी देर से आपसे बात नहीं कर पाए, बट शोएब वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस तरह वसीम अभी कह रहे थे कि हमने छोटी टीमों के खिलाफ खेला, हम जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते आए, हम कीनिया के खिलाफ खेलते आए, हम वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलते आए, बट द इशू वॉज हम इन टीमों के खिलाफ भी अपनी फुल स्ट्रेंथ से खेल रहे थे। हमें वही शोएब मलिक टीम में नजर आ रहे हैं, हमें वही सीनियर प्लेयर टीम में नजर आ रहे हैं, हमने चले सीनियर प्लेयर को खिलाएं लेकिन हमने नए प्लेयर डेवलप नहीं किए, हमने सोचा ही नहीं आगे का। नहीं बात तो आपकी ठीक है, मैंने तो एक सजेशन दी थी बड़ा अच्छा पहले कि आपकी जो होम सीरीज है वो आप जाके अपना बाहर खेलें, उन्हीं के मुल्कों में खेलें जाके, ताकि आपकी टीम 5-6 साल हारे के लेकिन उसके बाद बेहतर हो जाएगी आपकी टीमें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि चैंपियंस दुबई में खेलते रहे आप और फाइनली आपके पास जो टीम जो बेस्ट अवेलेबल टैलेंट यही आपके सामने था, हम आपको बहुत सीरियसली बैठ के सोचना पड़ेगा, बट लेट्स नॉट बी होपलेस, लेट्स बी वेरी होपफुल इन टर्म्स ऑफ के आप पाकिस्तान बांग्लादेश द्वारा के या सॉरी कौन जीता है मैच, मुझे मैंने हम तो यहाँ मैच कवर कर रहे थे दानिश जी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप आवर होप्स हाई। या आप कुछ पूछना चाह रहे थे शोएब से, व्हेन आई इंटरप्टेड यू कैन आस्क हिम दैट क्वेश्चन। शोएब अख्तर साहब ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ आपको, जो श्रीलंका की टीम इस टूर्नामेंट में खेली और बैक टू बैक वो दो मैच हार गए, अफगानिस्तान के साथ उनका मैच था वो वहाँ हारे, बांग्लादेश से हारे, उसके बाद अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कप्तान चेंज कर दिया एंजेलो मैथ्यूज की जगह, उन्होंने दिनेश चंदीमल को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में कप्तान बना दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो ड्रामेटिक किस्म के चेंजेस करें, बट मैं आपसे सीधा ये जानना चाह रहा हूँ कि रोहित शर्मा ने 15 वनडे इंटरनेशनल में लास्ट आज 34 सेंचुरी स्कोर की है, कोई तो होगा ना जिम्मेदार इस नाकामी का? शोएब मलिक कहेंगे पिछला मैच मैंने जिताया था, इस मैच में 78 रन किए हैं, सरफराज कहेंगे मैंने 44 रन किए हैं, फखर जमान कहेंगे मैंने आज 31 रन किए, आमिर कहेंगे मेरी गेंद पर कैच ड्रॉप हो गया, तो कोई तो इस चीज का रिस्पॉन्सिबल होगा ना जिसको आके ये सारी जिम्मेदारी को कबूल करना होगा। हाँ बिल्कुल हो सकता है यार, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अभी टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ, वाइड ओपन है पाकिस्तान बस टूर्नामेंट, आई थिंक पाकिस्तान का मैच जीत के पाकिस्तान क्वालिफाई करे फाइनल के लिए, फिर वहां से देखे कि पाकिस्तान आप कैसे खेलता हो, बट लेट्स नॉट फॉरगेट द प्रॉब्लम दैट वी हैव कि हमारी बैटिंग लाइनअप में टेस्ट नहीं है, हमारे ओपनर या हमारे ओपनर जैसा शिखर धवन या रोहित शर्मा जैसी क्लास के क्यों नहीं आ रहे और क्यों नहीं ऐसा खेल पा रहे, इन्हें सोचना पड़ेगा। हमारे बॉलर 4 ओवर करके थक जाते हैं या उनकी पेस वो रहती नहीं है, सेकेंड स्पेल में खड़ा आते नहीं है, तो मुझे भी डिसअपॉइंटिंग टू सी दैट कि हमारे बॉलर्स ने ना बाउंसर किए, ना फील्डिंग सही रखी, ना हमारे कैप्टन ने स्लिपें रखी, अटैकिंग फील्ड नहीं रखी, एग्रेशन नहीं रखा, तो ये बड़े सारे सवाल जवाब है, सरकार को अपने आप से और बोर्ड को भी उनसे
लेकिन let's be hopeful. I understand कि ये बड़ा मुश्किल हम सब के लिए सॉल्व करना, लेकिन अभी टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ, I'm sure Pakistan will make a strong comeback. ठीक शुएब अख्तर, बहुत शुक्रिया आपका. सोहेल, आप कम किए जा सकते हैं वेरी ब्रीफली. देखिए अभी तो आज के मैच की अगर मैं बात करूं तो बॉलिंग को स्पेशली लेके, तो मेरे ख्याल में आज उनकी और हमारी बॉलिंग में फ़र्क यही था कि डिसिप्लिन की, आपने भी आगे बात की कि डिसिप्लिन की कमी थी. हमने 3-4 बॉल अच्छे किए, फिर एक बॉल बाउंड्री बॉल देके वो सारा जो प्रेशर क्रिएट किया हुआ था उसको हमने बैट्समैन के ऊपर से रिलीज़ कर दिया. हमने बहुत ईजी बाउंड्री बॉल्स उनको दिए हैं. अगर आप स्पेशली पहले 10 ओवर की बात करें उसको आप उठा के देखें, देन If you are defending a small total with a new ball, you got to have a slip. सही आप अगर देखो तो एक हसन अली के ओवर में शेखर धवन की एक स्लिप लगी थी. आपको एक इस तरह का चांस चाहिए होता है टू मेक इट काउंट, तो वो स्लिप नहीं थी. उस बॉल के बाद स्लिप ली गई, लेकिन वो इट वॉज डन एंड डस्टेड. तो पॉइंट इसके बॉलिंग में मुझे ये इश्यूज नजर आए थोड़े से कि हम शायद उस तरह का डिसिप्लिन शो नहीं कर सके जिस तरह का हमें करना चाहिए था. बट आई डेफिनेटली बैक के जो शुएब भाई ने बात की, आई एम अ स्ट्रांग बिलीवर कि जब इवेंट खत्म हो जाए तो फिर आप अपने जितने भी क्रिटिसिज्म है वो जरूर होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली एवरीबॉडी वांट्स पाकिस्तान टू विन. बट अभी क्योंकि एक दो मैचेस बाकी हैं, लेट्स बैक देम, क्योंकि प्लेयर्स वहां पे होते हैं तो उन पे ये चीजें अफेक्ट करती हैं. तो लेट्स बैक देम एंड देन वी विल सी आफ्टर द टूर्नामेंट. बिल्कुल वैलिड पॉइंट है जी, वी विल टेक दैट ऑन बोर्ड. सोहेल तनवीर आपका बहुत शुक्रिया, सईद याया सैनी बहुत शुक्रिया, और हिना नूर आपका हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही है.